तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा टॉपिक है हमारा? केमिकल प्रॉपर्टीज। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन। तो अगर हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो हमें थोड़े कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट है हेलो एल्केन आर हाईली रिएक्टिव। हेलो एल्केन क्या है? हाईली रिएक्टिव है। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर हम हेलो एल्केन में आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड इनकी बात करें, तो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिविटी जो आपकी शो करेगा वो आयोडाइड करेगा, उसके बाद ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। दूसरा, अगर हम डिग्री की बात करें, तो आप जैसा कि जानते हैं हेलो एल्केन 3 डिग्री में है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी होगी वो आपकी 3 डिग्री की होगी, उसके बाद आपकी 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगी। अब सभी हेलो एल्केन में क्या होता है? एक सी एक्स बॉन्ड होता है। इस सी एक्स बॉन्ड का जो नेचर है वो पोलर है। कैसा नेचर है? पोलर है। ये पोलैरिटी आती क्यों है? ये आती है इस हेलोजन एटम की वजह से, ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो आपका हेलोजन है, इसकी वजह से ये पोलैरिटी आती है। बॉन्ड थोड़ा सा हेलोजन की तरफ को क्या होता है? स्ट्रेस्ड हो जाता है, ड्यू टू विच अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट ऑन द हेलोजन एटम। उसकी वजह से हेलोजन एटम पर एक पार्शियली नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, और उसके रेस्पेक्ट में कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और ऐसा क्रिएट होने से कार्बन आपका क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करने लगता है, और ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह वर्क करता है, यानी कि लिविंग ग्रुप में अलग हो जाता है। तो चलिए इसी की सीरीज में हम नेक्स्ट पहुंचते हैं हमारी रिएक्शंस की, कि हमें कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन इसमें पढ़ने को मिलने वाली है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। 4 तरह की रिएक्शंस आप इसमें पढ़ेंगे। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो थोड़ी सी लॉन्ग भी है, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन, और फिर रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, ये 4 तरह की हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, और इनमें से सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो पहली जो रिएक्शन है, देखिए आपको पता ही है, न्यूक्लियोफाइल जिस पर निगेटिव चार्ज हो या प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर हो, ऐसे को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। अभी आप पीछे पढ़ के आए हैं कि कार्बन जो है पार्शली पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल यहां आके कार्बन पर आपका अटैक करेगा। क्लियर, कार्बन पर इसने जैसे ही अटैक किया तो क्या है, इसको ये लिविंग ग्रुप में आउट कर देगा। तो दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय 2 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ये जो रिएक्शन होंगी ये 2 तरह के मैकेनिज्म से आपके प्रोसीड होती हैं, और आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं जो मेन पार्ट है। तो पहला है आपका कि यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में SN1 रिएक्शन। एस सब्स्टिट्यूशन के लिए है, एन जो है न्यूक्लियोफिलिक के लिए है, जो कि लिखा ही नहीं न्यूक्लियोफिलिक यहां पर लिख देना, ओके नो प्रॉब्लम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एस जो है वो सब्स्टिट्यूशन के लिए है, एन न्यूक्लियोफिलिक के लिए है, और ये जो 1 लगा है ये यूनिमोलिकुलर के लिए है, इसीलिए इसको शॉर्ट में SN1 भी आप बोलते हैं। क्या होती है SN1 रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन इन विच द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। केवल 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 रेट जो है डिपेंड करेगा कंसेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल के कंसेंट्रेशन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसी सभी रिएक्शन कहलाती है आपकी यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली बात। दूसरा, इसमें जो पॉइंट आपको याद रखना है कि SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, क्या है जो आपका इसका मैकेनिज्म है, द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन आपका प्रोसीड होता है बाय 2 स्टेप। हाउ मेनी स्टेप? 2 स्टेप। देखिए पहला जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपका आता है इसमें, फर्स्ट नंबर का स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, जब आपका कार्बोकेटायन इसमें फॉर्मड होता है, तो कार्बोकेटायन फॉर्मड होने की देखो सिंगल सी कंडीशन है, वो ये है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, अदर वैलेंसी कार्बन या हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसी को बोलते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। 3 डिग्री का एक एल्किल हैलाइड ले लीजिएगा, क्यों अभी बताएंगे, क्योंकि ये जो 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड हैं, इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं एल्काइल ग्रुप? 3 एल्काइल ग्रुप होते हैं, और एल्काइल ग्रुप का जो नेचर है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का मतलब ये कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को इंक्रीज करेंगे, इससे क्या होगा, जो आपका CCl बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन में क्या है, कार्बोकेटायन का बनना बहुत ईजी है, इसीलिए ये सबसे फास्ट आपकी किसमें होती है? 3 डिग्री में होती है, और इससे जुड़ा हुआ जो हैलोजन है वो आपका लिविंग ग्रुप में अलग हो जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है कि स्टेप फर्स्ट जो है ये हमारा एक स्लो स्टेप है। कैसा स्टेप है? ये एक हमारा स्लो स्टेप है। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखना है कि सर ये हमारा जो है एक RDS भी स्टेप है। RDS फुल फॉर्म रेट डिटरमिनिंग स्टेप।
इससे हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो स्टेप फर्स्ट ये था, आते हैं अब स्टेप टू की तरफ। स्टेप टू में क्या होता है, स्टेप टू में जो हमारा क्या है कार्बोकेटायन बना हुआ है उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट दे देगा। कार्बोकेटायन आपका ये रहा, इस पर आप क्या करिएगा न्यूक्लियोफाइल से अटैक करा दीजिए। जैसे मैं यहाँ NU के प्लेस पर कुछ भी लिख लीजिएगा, NU के प्लेस पर यहाँ OH नेगेटिव लिख लेता हूँ, तो ये आपका कहाँ इस कार्बन एटम पर अटैक करेगा और यहाँ से आपको प्रोवाइड कर देगा क्या एक फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से आपकी SN1 रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी और आपको एक फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है एल्कोहल का, कोई और भी हो सकते हैं, मैंने एक एल्कोहल एग्जाम्पल पर लिया है। आप यहाँ पर CN, NC, NO2, ठीक है, ONO बहुत सारे लगा सकते हैं, सभी एक से सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे SN1 रिएक्शन अगर आपकी है तो। आगे चल के हम ये भी पढ़ेंगे कि SN1 रिएक्शन की किस किस में प्रोसीड होती है, ये कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो SN1 मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है, कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो SN2 मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है, ये सारी बातें अभी हम करेंगे इसमें। लेकिन आज पहले इसकी बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर की। अगर SN1 रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे फास्ट 3 डिग्री में होगी, फिर 2 डिग्री में होगी, फिर 1 डिग्री में होगी। ये तो आप भी नॉलेज रखते हैं, इतनी नॉलेज तो आप भी रखते हैं, लेकिन जब आपसे यह पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाई टर्शियरी एल्किल हैलाइड अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन, तो तब सोचते हैं यार यही तो मैंने याद किया, यही इसने एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना के दे दिया, अब मैं क्या लिखूं। तो आपको वही लिखना है कि इन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, कार्बोकेटायन तो ये है, इन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड विद द कार्बन एटम व्हिच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन एटम ड्यू टू व्हिच CCl बॉन्ड इजीली ब्रेक एंड कार्बोकेटायन आर इजिली फॉर्म। बहुत सारी स्टोरी बोल दी, छोटा सा भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो ये थी SN1 रिएक्शन। अब पहुंचते हैं दूसरी जो है आपकी यूनिमोलिकुलर के बाद बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ये आपका दूसरा पार्ट, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसका दूसरा पार्ट है, जिसको आप क्या लिखेंगे शॉर्ट में, इधर देखिए SN2 और ये 2 ही बता दे रहा है बाई मोलिकुलर को, एस वही फिर से जो आपका क्या है सब्सटीट्यूशन है न्यूक्लियोफिलिक, है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है, जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, जो किस पर डिपेंड करे, दोनों पर डिपेंड करे, सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करे, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करे। ऐसी सभी रिएक्शन किसमें आएंगी, आपकी बाई मोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में आती है, ठीक। चलिए सर इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये भी कैसे प्रोसीड होती है। पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, SN2 रिएक्शन आपकी क्या है सिंगल स्टेप में प्रोसीड होती है। कितनी स्टेप में प्रोसीड होती है, ओनली सिंगल स्टेप में। SN1 रिएक्शन जो फास्ट होगी वो 1 डिग्री में होगी और जो सबसे स्लो होगी वो 3 डिग्री में होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन फॉर्म्ड नहीं होता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होंगे तो ध्यान से दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल पर भी निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की भी जो तासीर होती है, जिसको हम बोलते हैं नेचर होता है, वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड निगेटिवली होता है, यानी निगेटिव निगेटिव रिपल करेंगे। तो जब ज्यादा ग्रुप होंगे तो न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से आने में प्रॉब्लम होगी, ठीक, इसलिए वो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। रीजन भी समझ गए होंगे। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं कि अब मैकेनिज्म कैसे आता है। कोई भी एक 1 डिग्री का एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, आपने ये एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ले लिया, जैसे ही आप इसमें किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा बैक साइड से, कहां से आएगा बैक साइड से, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसमें आप न्यूक्लियोफाइल को भी लिखेंगे, ठीक, और किससे, ठीक, हैलोजन से भी लिखेंगे, और ये तो आपके कई कौन CH3B HB और ये HB, ठीक है, यानी कि पुरानी मोहब्बत क्या हो रही है धीरे धीरे खत्म हो रही है, नई वाली से क्या हो रहा है शुरुआत हो रही है, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये फास्ट स्टेप रिएक्शन है, इसमें आप रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, तुरंत आपको एक फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें आप लिख सकते हो कि OH, HCS3 और यहां पर H, तो ये फाइनली आपको एक प्रोडक्ट मिल गया जो प्रोसीड हुआ किससे, SN2 रिएक्शन से। बहुत सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे आगे चल के आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये तो हुई बात मैकेनिज्म की, अब कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल आकर के हैलोजन को किस किस में बदलेंगे, इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।